जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी बहुत स्वागत है। मैं हूँ हिमांशु कुमार। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं विकास लाइफ केयर कंपनी के बारे में। विकास लाइफ केयर अक्सर चर्चा में रहने वाला स्टॉक है। ये रिटेल की दुनिया में एक जाना पहचाना स्टॉक है। काफ़ी हालांकि स्टॉक मार्केट में भी अपना पहचान बना चुका है, लेकिन रिटेल की दुनिया में कहने का मतलब ये है कि इस स्टॉक में रिटेल निवेशकों का पैसा ज़्यादा लगा हुआ है। रिटेल निवेशक इसमें देखेंगे तो तकरीबन 78% के आसपास रिटेल निवेशकों ने इसमें अपना पैसा लगाया हुआ है। हालांकि इसमें प्रमोटर्स भी हैं और जो विदेशी निवेशक होते हैं, जो FII वो भी हैं, लेकिन इनकी हिस्सेदारी पिछले कुछ समय में कम हुई है। यदि विदेशी निवेशक की बात करें तो पहले जो है 12.5% के आसपास थे, अभी देखेंगे तो तकरीबन 9.5% के आसपास इनकी हिस्सेदारी अभी पिछले ही क्वार्टर में यानी सितंबर क्वार्टर रिजल्ट में कम होकर 9.5% के आसपास इनकी हिस्सेदारी इस स्टॉक में रह गई है। प्रमोटर्स ने भी अपना स्टेक घटाया है। प्रमोटर्स देखेंगे तो जहाँ पहले 13.5% के आसपास थे, अभी कम होकर सिर्फ वो 12.5% के आसपास रह गए हैं। अब देखिए, जब किसी स्टॉक में से प्रमोटर्स कम होते हैं या जो विदेशी निवेशक कम होते हैं, म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी कम होती है, तो ये जाहिर सी बात है चिंता की बात होती है। लेकिन उतनी भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो विदेशी निवेशक होते हैं वो बहुत कम समय के लिए किसी स्टॉक में पैसा लगाते हैं। उन्हें फास्ट मोमेंट चाहिए होता है, जहाँ से मोमेंट मिले उनका पैसा बढ़ जाए। बहुत समय तक यदि किसी स्टॉक में रुकना होता है तो ये विदेशी निवेशक के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। और हम लोग तो चूंकि रिटेल निवेशक हैं, किसी स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो लंबी अवधि के लिए लगाते हैं, तो हमें शॉर्ट टर्म में चिंता या घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमें समझना होगा कि विकास लाइफ केयर एक पेनी स्टॉक है। हालांकि पेनी स्टॉक मार्केट के लिहाज से नहीं है, लेकिन रिटेल के इसमें भागीदारी अधिक है, तो रिटेल निवेशक इसको पेनी स्टॉक ही मानते हैं। तकरीबन 640 करोड़ के आसपास की यह कंपनी है, और देखेंगे तो मल्टीपल बिजनेसों में कंपनी कूदी हुई है। तकरीबन 640 करोड़ के आसपास इस कंपनी की मार्केट कैप है। मार्केट कैप के लिहाज से देखेंगे तो कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी की श्रेणी में आती है, और साथ में ये मल्टीपल बिजनेसों में कूदी हुई है। प्लास्टिक पॉलीमर्स लेकर केमिकल और एग्रो प्रोडक्ट के अलावा अभी देखेंगे तो सुनने में ये भी आ रहा है कंपनी अब होटल इंडस्ट्री में भी कूदने वाली है। इतने सारे बिजनेसों में कंपनी कूदी हुई है, और समय समय पर यह खबर निकलकर सामने आते रहता है कि विकास लाइफ केयर ने इसमें स्टॉक ले लिया, इसमें अपना स्टेक बढ़ा लिया, इस बिजनेस में हाथ डाल दिया। और ये बात सच भी है, विकास लाइफ केयर काफ़ी सारे बिजनेसों में कूदा हुआ और उसका इसका अच्छा श्रेय मिलते हुए दिख भी रहा है। अलग अलग बिजनेसों में कूदी हुई तो जाहिर सी बात है खर्चा थोड़ा कंपनी का बढ़ा है, लेकिन खर्चा बढ़ने के साथ कंपनी के सेल्स भी बढ़े हैं, और सेल्स जब बढ़ा है तो प्रॉफिट भी बढ़ा है। इस कंपनी के यदि सेल्स की बात करें तो जो सितंबर क्वार्टर में कंपनी के टोटल सेल्स हुए हैं वो हुआ है 128 करोड़ रुपए का, जहां पिछले क्वार्टर में सिर्फ 86 करोड़ रुपए के आसपास था। प्रॉफिट भी बढ़ा है। प्रॉफिट कितना बढ़ा वो भी जान लीजिए कि 2.34 करोड़ से बढ़कर अभी 2.49 तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास इसका प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर में बढ़ा है। तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि कंपनी जो अलग अलग बिजनेसों में अपना हाथ डाली हुई है उससे इसको बेनिफिट हो रहा है। और शेयर प्राइस पर मत जाइए, शेयर प्राइस जाहिर सी बात है पिछले कुछ महीनों से 7 रुपये से कम होकर 6.5 रुपये से कम होकर अभी 4.5 रुपये के आसपास इसका शेयर प्राइस आ गया है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छे स्टॉक जब सस्ते मिल रहे होते हैं तो हम उसकी कदर नहीं करते। ये गिरावट एक मौका की तरह देखिए आप, ये मत यदि आप लंबी अवधि की निवेशक है तो आपको शॉर्ट टर्म में गिरावट और बढ़ने से कोई लेना देना है नहीं। आप निश्चिंत होकर बने रहिए जब तक कि आपका टारगेट पूरा नहीं हो जाए। अभी 4.5 रुपये के आसपास चल रहा है, लेकिन आज के दिन इसमें तेज़ी देखने को मिली है, पिछले कुछ दिनों से इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और 5.5 रुपये के आसपास 5.20 रुपये के आसपास जब जाएगा तो इसमें अपर सर्किट लग जाएगा। 5.20 रुपये पर जब इसमें अपर सर्किट लगेगा तो आपको पता है जब अपर सर्किट लग जाता है तो शेयर में धड़ाम धड़ाम तेज़ी आती है, 5% के हिसाब से स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है। तो फिर ये यदि आप 6.07 रुपये पर भी इस स्टॉक को बाय किया है तो वहाँ तक तो पहुँच ही जाएगा। फिर आप निकलना चाहें तो निकल सकते हैं, या बने रहना चाहें तो बने रह सकते हैं, आपकी मर्जी है। अभी देखिए इसका जो PE है, PE रेशियो जब हम किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो देखते हैं तो तकरीबन 20 के आसपास चल रहा है, और सेक्टर का PE अभी 50 है, यानी कि सेक्टर का जो PE है 50 उससे काफ़ी कम वैल्यूएशन पर शेयर प्राइस के हिसाब से भी और PE रेशियो के हिसाब से भी अभी स्टॉक सस्ता मिल रहा है। तो यदि आप नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस लिहाज से भी स्टॉक सस्ता है और शेयर प्राइस के हिसाब से भी सस्ता है ही। और यदि आपका इन्वेस्टमेंट है तब तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप बेशक इसमें बने रहिए, समय दीजिएगा। देखिए शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए 2-3 चीज़ों का होना बहुत जरूरी है, एक पेशेंस और एक डिसिप्लिन। जिसके पास ये सब चीज़ें होती है वो बेशक पैसा बनाते हैं। कहा जाता है कि शेयर मार्केट में पैसा इन पेशेंस लोगों से निकलकर पेशेंस लोगों के पास जाता है, यानी कि जिसके पास धैर्य नहीं होता है उनके पास से पैसा निकलकर जिनके पास धैर्य होता है उनके पास जाता है, और ये बात 100% सत्य भी है। तो इसमें कुछ सोचने समझने वाली बात नहीं है। विकास लाइफ केयर एक बढ़िया कंपनी है, यदि यकीनन इसमें आपने इन्वेस्टमेंट करके कोई गलती नहीं की, बेशक समय दीजिए थोड़ा सा, आपको विकास लाइफ केयर निराश नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ विकास लाइफ केयर संबंधित ये अपडेट आपको पसंद आई होगी। फिर भी मन में कुछ अन्य जानकारी आपके मन में है, कुछ लेना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो उस कमेंट में जरूर पूछिए, उसका रिप्लाई दूंगा। चाहते हैं मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपके पास शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एंजल लोन या MS स्टॉक के साथ फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।